ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी हुआ तो मोदी सरकार पर हमले तेज हो गए, क्योंकि भारत की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी गई गुजरी है। विपक्ष इसलिए भी हाय तौबा कर रहा है क्योंकि श्रीलंका से भी हालात हमारे खराब हैं इस इंडेक्स के मुताबिक। अब इसलिए हर कोई ये जानना चाहता है कि आंकड़े भेजता कौन है, इंडेक्स जारी कौन करता है, और सबसे महत्वपूर्ण कि इस इंडेक्स के मानक क्या हैं, यानी कि किस आधार पर ये तैयार किया जाता है। यहाँ पर सबसे अहम बात आपको बता दें कि इस इंडेक्स को लेकर भले ही विपक्ष हाय तौबा कर रहा हो, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले साल ही हंगर इंडेक्स को खारिज कर दिया था और कहा था कि एजेंसियों ने ठीक से तथ्यों की पड़ताल नहीं की है। अब ऐसे में जब भारत और श्रीलंका को पाकिस्तान से भी खराब स्थिति में रखा गया तो सवाल उठने लगे कि आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है, इसे कौन सी एजेंसी तैयार करती है। तो अब इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 6 पायदान नीचे गिर गई है। भारत का स्कोर 29.1 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान का स्कोर 64 है। पाकिस्तान को इसी इंडेक्स में 99 स्थान पर रखा गया है। वहीं पर बांग्लादेश को 84 स्थान मिला है, नेपाल को 81, म्यांमार को 71, लेकिन भारत को जो स्थान मिला है वो 107वां है। 121 देशों में 107वां स्थान मिलना ये बहुत ही चिंताजनक है, और इसीलिए विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, यानी कि भारत की हालत सबसे बुरी है। वहीं भारत से बुरे हालातों वाले देशों की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में जाम्बिया, अफगानिस्तान, तिमोर लेस्ते, गिनी बिसाऊ, सियरा लियोन, लेसोटो, लाइबेरिया, नाइजर, हैती, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, इसे जारी कौन करता है। विभिन्न एनजीओ अपने अपने पैमानों के हिसाब से इंडेक्स को जारी करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का हंगर इंडेक्स अलग से तैयार होता है। अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है उसे दो यूरोपियन एनजीओ ने मिलकर तैयार किया है, जिनका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प। और रिपोर्ट को तैयार करने के लिए डेटा संयुक्त राष्ट्र UN के अलावा यूनिसेफ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO समेत कई एजेंसियों से लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि किस आधार पर तैयार किया जाता है हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करने के लिए WHO के 3 पैमाने हैं, यानी कि खाने की कमी, बच्चों के पोषण स्तर में कमी और बाल मृत्यु दर। वहीं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प ने 4 पैमानों पर देशों को रैंक किया है। ये है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी कि अल्प पोषण, बाल बौना पर, बाल अपव्यय और बाल मृत्यु दर। अब जो लोग मजाक बना रहे थे कि भारत में आंकड़े उसी टाइम लिए जाते हैं जब नवरात्रि और रमजान होता है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस आधार पर ये इंडेक्स तैयार होता है। वैसे भारत में खाद्यान्नों की कमी नहीं है, भारत सरकार ने लॉकडाउन में भी अनाज बांटा है। अभी भी कई राज्यों में जहां पर BJP की सरकार है वहां राशन फ्री में मिल रहा है, लेकिन ये आंकड़े लेने वाले कैसे आंकड़ों को जुटाते हैं, सवाल यही है। वहीं विपक्ष ने भी हिंदुत्व को ही जिम्मेदार ठहराया है। अवैध घुसपैठिया और बढ़ती जनसंख्या से उन्हें परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी से दिक्कत है तो वो हिंदुत्व से है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2014 से यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के 8 सालों में सरकार का स्कोर बद से बदतर हो गया है। उनका कहना है कि हिंदुत्व हिंदी थोपना और नफरत फैलाना भुखमरी का एंटीडोट नहीं है। वहीं मनीष सिसोदिया का भी कहना है कि BJP 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करती है, लेकिन 106 देश दो वक्त की रोटी देने में हमसे बेहतर है। बहरहाल अब इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।